तो चलिए फटाफट वाटर टैंक रोबोट का सेमी ऑटोमेटिक लगाते हैं मशीन। सबसे पहले हम एक कील ठोक लेंगे जिसमें कि मशीन को लटकाया जाएगा। तो हमने ये कील ठोक लिया है, मशीन है जो कि सेमी ऑटोमेटिक है। उसके पीछे एक 3M का टेप होता है जो कि इसे फिक्स रखने के लिए बहुत ही कारगर साबित है, कुछ इस तरह से। ये लगाना बहुत ही इजी है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये मशीन कुछ इस तरह से इंस्टॉल हो गया है। सबसे पहले हम स्विच को ऑफ कर लेंगे, इसके बाद दोनों पिनों को निकाल के और हमारे मशीन का आउटपुट में उसे लगाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में और निगेटिव निगेटिव में, जो कि हमारा ये ब्लैक निगेटिव है और रेड वाला पॉजिटिव है, कुछ इस तरह से हम लगाएंगे इसे। और हमारा ये आउटपुट डायरेक्ट स्टार्टर में गया है और एक छोटा सा टुकड़ा वायर का लेके इनपुट भी सप्लाई से हम दे देंगे, कुछ इस तरह से। और ध्यान रहे पॉजिटिव पॉजिटिव में जाए और निगेटिव निगेटिव में जाए तो अच्छा है। ये हमारा ब्लैक निगेटिव में चला गया और जो रेड वायर है वो चला गया पॉजिटिव में इनपुट का। और जो मेन लाइन है बोर्ड का वो इनपुट में देंगे और स्विच को ऑन करेंगे। हमारा नीचे का वायरिंग जो भी है मशीन का वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इस मशीन में एक बाईपास स्विच भी दिया गया है जो कि टैंक फुल होने पर भी आप पानी इसे ऑफ करके ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं टैंक के सेंसर की ओर जो कि टैंक में लगता है। यह हमारा टैंक के अंदर जाएगा, पहले हम इसे वायर में टाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और इसे हम टंकी के अंदर डालेंगे। ये टंकी का आउटपुट है, अगर हो सके तो इसी के अंदर से हम डाल देंगे अंदर की ओर। और हमारा ओवरफ्लो से 2 या 3 इंच नीचे जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे ही ये दोनों में वाटर टच करेगा हमारा मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, कुछ इस तरह से मशीन हमारा वर्क करता है। ये जो वायर है लंबा वाला इसे हम स्टार्टर तक नीचे लेके जाएंगे और फिर मशीन से इसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा व्हाइट वाला वायर जो कि टंकी से आया हुआ है, हम इसे मशीन से कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसे हम टेप भी मार देंगे।
जब हमारा टैंक फुल होगा तो मशीन में हरा बल्ब चल जाएगा और हमारा स्टार्टर भी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये मशीन लगाना कंप्लीट हो गया है।